21 नवंबर को गुरु गोरखनाथ शोधपीठ संस्थान के शिलान्यास और योग संबंध की तैयारियों को लेकर विश्वविद्यालय और संबंध महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों की बैठक संवाद भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं श्री गुरु गोरखपीठ शोध संस्थान के विशेष कार्यकारिणी प्रोफेसर रविशंकर ने किया। बैठक में योग संगम शोधपीठ संस्थान के महत्व को बताया गया तथा 30 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम की सफलता की रणनीति तैयार की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. केशव सिंह ने बताया कि 30 नवंबर को आयोजित योग संगम तथा शोधपीठ संस्थान के शिलान्यास कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया, रायपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनसे संपर्क और उनसे ये कहा गया है कि एकदम मौलिक और बहुत ही सरल शब्दों में जो बच्चे ग्राह कर सकें, उस तरीके से योग के बारे में जो मूलभूत योग की का उद्देश्य है उसके बारे में वो बताएंगे। इंस्टाग्राम वाली दुनिया के लड़के हैं, हमारे जमाने में आपके जमाने में ये सब नहीं था, सब कुछ निकलता है थोड़ा कम से तो कुछ शामिल एक तो इलाहाबाद हो गया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलबी और बीए के एक साथ योगी खुद श्री गोरखनाथ पर एक संभाषण होगा। ये चूंकि 30 नवंबर को 2018 योग संगम नाम से एक कार्यक्रम हमको मिला हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री आएंगे, यूजीसी चेयरमैन आएंगे और इसमें हमारे 5000 स्वयं सेवक राष्ट्रीय सेवा योजना के भाग करेंगे। इसमें जितने भी विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी उनको राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों के संचालन में तथा उसकी रिपोर्ट शासन को समय पर भेजने के संदर्भ में तथा योग संगम में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को प्रतिभाग कराने के संदर्भ में विचार विमर्श हेतु उनकी एक बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर रविशंकर सिंह साहब कर रहे हैं और इसमें उनसे आपस में विचार विमर्श करके एक योजना बना करके योग संगम कार्यक्रम को सफल बनाना चाहेगा।